नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक्स के टॉप 10 डिफरेंसेस। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टॉप 10 डिफरेंसेस के बारे में, फिर हम देखेंगे एक टिपिकल प्रोग्राम जो टर्बो सी प्लस में डिजाइन किया हुआ है और फिर वैसा ही प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स में। पहला डिफरेंस हेडर फाइल का आता है। टर्बो सी प्रोसेस में हेडर फाइल्स की लास्ट में हमें डॉट एच लगाना पड़ता है, चाहे वो सी के हेडर फाइल हो चाहे सी प्रोसेस की हेडर फाइल, जैसे stdio.h या iostream.h। कोड बॉक्स में सी प्रोसेस की हेडर फाइल्स में डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे iostream या फिर fstream। अगर वो सी की हेडर फाइल है तो दो ऑप्शन है, या तो आप डॉट एच लगाएं जैसे stdio.h, या चाहे तो आप लिखें cstdio, cmath सी स्ट्रिंग, यानी आप प्रीफिक्स सी लगा दें, उस केस में डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड डिफरेंस मेन फंक्शन का। टर्बो सी प्रोसेस में वॉइड मेन और इंट मेन दोनों वर्क करते हैं, बाकी जितने भी कंपाइलर्स हैं या कोड बॉक्स केवल इंटीजर मेन यूज करता है। जैसे यहां पर लिखा है वॉइड मेन, तो नीचे रिटर्न जीरो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां क्योंकि हमने इंट मेन लिखा है तो यहां में लिखना पड़ेगा रिटर्न जीरो। तीसरा डिफरेंस है क्लियरिंग स्क्रीन का। टर्बो सी प्रोसेस में स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम लिख सकते हैं clrscr, जो कि conio.h में डिफाइंड है, लेकिन कोड बॉक्स में स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम लिख सकते हैं systemcls। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर आप लाइनक्स यूनिक्स या मैक में वर्क कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम क्लियर। अब ये फंक्शन जो है stdlib.h में डिफाइन किया गया है और इसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। होल्डिंग द स्क्रीन, टर्बो सी प्रोसेस में हम लास्ट में लगाते हैं गेट सी एच, जो कि conio.h में डिफाइंड है, जिसकी मदद से हम स्क्रीन को तब तक रोक के रखते हैं जब तक कि कोई की प्रेस ना हो। कोड बॉक्स में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोड बॉक्स में जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा प्रेस यानी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ जाएगा। अगला डिफरेंस नेम स्पेसेस का। टर्बो सी प्रोसेस में हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती सी आउट और सीन को यूज करने के लिए। कोड बॉक्स में अगर आप सी आउट सीन यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके अलावा आप चाहे तो लिख सकते हैं एसटीडी सी आउट, एसटीडी सीन। इस साइन को हम कहते हैं, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जो डिफरेंस है वो है साइज ऑफ इंटीजर। टर्बो कंपाइलर 16 बिट प्रोसेसर पे बेस्ड है, इस कारण से यहाँ पे इंटीजर की साइज 2 बाइट्स होती है। कोड बॉक्स 32 बिट प्रोसेसर पे बेस्ड है, इस कारण से यहाँ पे इंटीजर की साइज 4 बाइट्स होती है। सातवां डिफरेंस, बोलन इंटरनेशनल जिन्होंने बनाया था टर्बो कंपाइलर, उन्होंने इसका डेवलपमेंट 1994 के बाद रोक दिया है, तो एक्टिवली ये डेवलप नहीं हो रहा है, जबकि कोड ब्लॉक्स का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी तक अवेलेबल है वो है 1712, जो रिलीज किया गया था दिसंबर 2017 में। डिफरेंस 8 है कि कौन सा सी स्टैंडर्ड टर्बो सी और कोड ब्लॉक्स सपोर्ट करते हैं। तो टर्बो सी सपोर्ट करता है के एंड आर सी साथ C89, जबकि कोड ब्लॉक्स जो नया स्टैंडर्ड है जैसे सी प्रोसेस 11 या सी प्रोसेस 17 उसे भी सपोर्ट करता है। आपको बस सेटिंग्स में जाके स्टैंडर्ड इक्वल टू सी प्रोसेस 11 या फिर सी प्रोसेस 17 करना पड़ता है। नाइन्थ जो डिफरेंस है वो है फाइल नेम का रिस्ट्रिक्शन। टर्बो सी प्लस में फाइल नेम 8 लेटर से एक्सीड नहीं हो सकता और स्पेस अलाउड नहीं है। कोड ब्लॉक्स में आप फाइल नेम को 8 लेटर से ज्यादा भी दे सकते हैं, साथ साथ स्पेसेस भी दे सकते हैं। फाइल नेम की जो लिमिट डिपेंड करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिट पे। और अगला जो डिफरेंस है 10th, वो है प्लेटफॉर्म सपोर्ट। नेटिवली टर्बो सी प्रोसेस केवल डॉस और विंडोज के लिए डिजाइन किया गया था, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए आपको एमुलेटर्स का यूज करना पड़ता है। कोड ब्लॉक्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो विंडोज लाइनक्स और मैक सभी पे वर्क करता है। अब एक टिपिकल सी प्रोसेस प्रोग्राम जो हमने टर्बो सी प्लस में डिजाइन किया है, जैसे पहले में आप लिखा है include iostream.h include conio.h,
इन दोनों को अलग अलग इंक्लूड करने की जगह हम लिख सकते हैं इंक्लूड कॉन एस टी आर ई डॉट एच, जो कि कॉन यू डॉट एच और आई एस टी डॉट एच दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहां में लिखा है void main, इस कारण से यहां पे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको जो भी कोड का लॉजिक देना हो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है वेलकम इन सी प्लस प्लस। अब यही प्रोग्राम अगर हम कोड ब्लॉक्स में डिजाइन करें तो कुछ ऐसा होगा, हम लिखेंगे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहां पे कौन एस टी डॉट एच आप यूज नहीं कर सकते, साथ साथ यहां पे डॉट एच भी आप देखें नहीं है। यहां हम लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, जिससे कि हम डायरेक्टली सी आउट का यूज कर पाए। यहां लिखा है इंट मेन, क्योंकि यहां वॉइड मेन वर्क नहीं करता, इस कारण से यहां पे हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न जीरो। जीरो रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को, आप अगर यहां वन या कोई नॉन जीरो वैल्यू दे दें तो वो रिप्रेजेंट करता है फेलियर को। यहां लिख सकते हैं सी आउट वेलकम इन सी प्लस डायरेक्टली, या चाहे तो लिख सकते हैं एस टी डी सी आउट और फिर जो भी आपको मैसेज देना हो। तो दोस्तों शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।